कांग्रेस पार्टी का जो उम्मीदवार है आशीष शेख रशीद, उस उम्मीदवार ने पहले तो कांग्रेस का झंडा उठाना ही पसंद नहीं किया। माजी में ये कांग्रेस पार्टी के स्टार प्रचारक थे, स्टार प्रचारक, और मालेगांव और मालेगांव के अलावा मुख्तलिफ जिलों में इलाकों में जाकर के मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन की खबर खोजने की कोशिश करते। बैरिस्टर असदुद्दीन को फिरका परस्त कहते थे, इस मुस्लिम मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन इस पार्टी को कहते थे कि ये और इनके सभी लोग फिरका परस्त हैं, इस तरह की बात करते थे। लेकिन जब उन्हें लगा कि बीजेपी ने जो नारा दिया है कांग्रेस मुक्त भारत, तो कांग्रेस जाने वाली है, इनको अपना इख्तदार बचाना है, बस इन्होंने हमारे तीसरे महाप का सफेद झंडा उठाया, सफेद मफलर गले में डाल करके घूमते रहे, और शायद एक महीने तक जो है सफेद झंडा सफेद मफलर लेकर के घूमते रहे। कांग्रेस पार्टी के लोग भी देखते रहे कि इनकी क्या हरकत है, इस स्टार प्रचारक से इनका नाम काट दिया। आज इनको मालेगांव के बाहर कहीं बुलाया नहीं जाता, ये मालेगांव में है, और आने वाले दिनों में आप देखोगे इनकी बिसात लपेट दी जाएगी, ये भी घर चले जाएंगे, और इनके वालिद मोहतरम जो आज मेयर हैं उनकी भी मेयर की कुर्सी सरक जाएगी, वो भी घर चले जाएंगे। मैं मालेगांव के लोगों को ये बताना चाहता हूं कि मैं अपने लिए इलेक्शन नहीं लड़ रहा हूं, मैंने अपना सब कुछ जो गांव पर लगाया है, जो भी मेरे पास था मैंने अपनी बस भर कोशिश किया और मैंने इलेक्शन में कदम रखा है, अपने लिए नहीं अपने शहर के लिए, इस शहर के नौजवानों के लिए, इस शहर के बच्चों के लिए, इस शहर में बसने वाली हमारी माओ और बहनों के लिए मैंने इतना बड़ा जोखिम किया है। मैं आपको ये बताना चाहता हूं, मैं किसी बहुत बड़े मालदार या खानदानी घराने से ताल्लुक नहीं रखता, मेरा ताल्लुक एक मस्जिद से है, एक मदरसे से है। आज कल के जलसे में इस्लामपुरे में कांग्रेस पार्टी के स्टेज से जिस मदरसे से मेरा ताल्लुक है उसके मुताल्लिक बुराई की गई। मैं जामे मस्जिद का इमाम हूँ और जामे मस्जिद कितनी शान बान आन के साथ तामीर करने वालों ने तामीर की, अल्हम्दुलिल्लाह। जुमा के दिन लोग सुबह की नमाज से जुमा की नमाज के लिए बैठे रहे थे, मस्जिद के ताल्लुक से उन्होंने बुराई की। कहते ना कि जब गीदड़ की मौत आती है तो वो बच्ची की तरह पाता है, ये बौखला है, इनको अपनी हार नजर आने लगी। अब इलेक्शन मैं लड़ रहा हूं, जिस मदरसे से मेरा ताल्लुक है उस मदरसे का क्या लेना देना, जिस मस्जिद में मैं इमाम हूं उस मस्जिद का इस इलेक्शन से क्या लेना देना। मैं तो मजहबी स्टेज से एक सियासी जुमला भी नहीं बोलता, और जब मैं सियासी स्टेज पर होता हूं तो सिर्फ सियासत की बात करता हूं। हालांकि लोगों ने मुझे मशवरा दिया क्या सियासी स्टेज से कुछ दीनी और मजहबी बात भी किया कीजिए, और अपनी बातों को कोट करने के लिए आप पुरानी आयात और रिवायात को भी बयान किया कीजिए, लेकिन हमने कभी जो है इस बात के ताल्लुक से इस तरह का मामला नहीं किया। ये कहते हैं कि हमारा 5 साल बेमिसाल, लेकिन मैं आपको बताऊं कि आज बेटा एमएलए है और बाप का पोजीशन में मेयर की कुर्सी पर बैठा है, और पूरा शहर गंदगी से पका है, पूरा शहर बीमारियों से परेशान है। हमारा सिविल हॉस्पिटल जिसमें 200 बेड है, 200 मरीजों की कैपेसिटी है, आज 450 मरीजों का वहां पर जो है डेरा लगा हुआ है, ये एक डेरों का मच्छर नहीं मार सके, ये क्या करेंगे कि 5 साल देने सर। एक आखिरी बात कहना चाहूंगा, आने वाली 21 अक्टूबर को आपको वोट करना है, और अगर आपने वोट किया होगा माजी में तो आपको पता होगा कि जब आप वोट
देने के लिए जाते हो तो आपको दस्तखत करनी होती, आपको दस्तखत करनी होती है। एनआरसी का मुद्दा हमारे शहर हमारे मुल्क पर एक लटकती हुई तलवार की तरह है। अगर आपका दोस्त और कोई दूसरा डालेगा तो उस कागज पर आपकी दस्तखत नहीं होगी, और एनआरसी की जब इंक्वायरी और कागजात की जांच पड़ताल होगी उस मौके पर ये सिग्नेचर अगर ये दस्तखत अगर मेल नहीं खाई तो आपके लिए तकलीफ हो सकती है। इसलिए आप अपना और खुद डालिए, सुबह सवेरे और अव्वलीन सातों में आप निकलिए, आप निकल करके अपना और दीजिए और चंद घंटों की कुर्बानी आपको देना है। कल हमारे मंसूर का प्रेस कॉन्फ्रेंस से लेकर के हम इजरा करेंगे, और इसी के साथ मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि उर्दू मीडिया सेंटर के लोगों ने ये तय कर रखा है कि 10